मुरैना से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर 2000 किलो मावा जब्त किया गया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ये मावा जब्त किया है। आपको बता दें, त्योहार के समय इस तरह की घटनाएं या खबरें आती है। राजस्थान के धौलपुर से ग्वालियर ये मावा ले जाया जा रहा था। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दशहरा दिवाली के आसपास इस तरह की खबरें आती हैं। एक बार फिर से नकली मावा जब्त किया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर पुलिस ने कार्रवाई की। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई मुरैना में, और 2000 किलो यहां पर मावा जब्त किया गया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जब वाहन को रोका तो उसमें से मावा, ये नकली मावा मिला है जो आप देख रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर से ग्वालियर की ओर ये मावा ले जाया जा रहा था। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं एप्स 24 पर। इस कार्रवाई के बाद इसी वाहन से पुलिस ने ये मावा जब्त किया है। खाद्य विभाग की कार्रवाई है। और त्यौहार में ये नकली मावा बाजार में बनने वाली मिठाइयों के लिए उपयुक्त किया जाता है, जहाँ से लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बहुत ही फैब्रिकेटेड तरीके से बनाया जाता है, जिसका शरीर पर नुकसान होता है। और ऐसे ही कुछ कार्रवाई, ऐसी कुछ चीज़ों को रोकने के लिए खाद्य विभाग ये कार्रवाई करता है। मुरैना में भी जब कार्रवाई हुई तो नकली मावा मिला है यहाँ पर।